फना मर्म नासा से संबंधित मर्म है और नासा के समस्त कार्यों को हम फना मर्म के द्वारा उत्प्रेरित कर सकते हैं। यदि फना मर्म पे आघात लगता है तो सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है। फना मर्म नासा के दोनों ओर एलानेजाई के पास होता है और इसको छोटी उंगली के शीर्ष भाग से स्टिमुलेट किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों को जुकाम की तकलीफ होती है, साइनोसाइटिस होता है, एलर्जिक राइनाइटिस होती है, उन सभी में इस फना मर्म के माध्यम से लाभ पहुंचता है। जिन व्यक्तियों को सूंघने में दिक्कत होती है उन व्यक्तियों को भी ये फना मर्म फायदा करता है। जिन व्यक्तियों की बहुधा नाक बंद रहती है तथा मौसम परिवर्तन पर जुकाम की तकलीफ अक्सर हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों में फना मर्म के साथ श्रृंगाटक मर्म को नियमित रूप से उत्प्रेरित करने से इन परेशानियों से बचा जा सकता है। आइए देखते हैं फना मर्म को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है। फना मर्म नाक से संबंधित है और जिन व्यक्तियों को इस पर चोट लग जाती है उनको सूंघने की क्षमता, किसी भी चीज़ को स्मेल करने की क्षमता खत्म हो जाती है। और उसको आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक क्या है कि आप हाथों को यदि ऐसे नीचे रखें और बीच छोटी उंगली को, यदि हम इसको ओपन लोटस पोज में हाथों को रखें और यदि हाथों को हथेलियों को नीचे मैंडिबल के नीचे रखें और जो छोटी उंगली नासा पुट के पास जिसको एलानेजाई कहते हैं उसके पास आती है तो यहाँ पे आप एक गड्ढा देख सकते हैं कि छोटा सा डिप्रेस्ड पार्ट होता है जो लगभग हमारी छोटी उंगली के ऊपर के हिस्से के बराबर जिसका परिमाप होता है, तो उसको उस हिस्से से आप देख सकते हैं कि ये इसको हम लोग फना मर्म कहते हैं। फना मर्म का कार्य नासा से संबंधित रोगों को ठीक करना और नाक की जो स्मेलिंग पावर है उसको मेंटेन करने का काम ये फना मर्म के द्वारा होता है। इस फना मर्म के पे चोट लगने से कभी कभी जब इंटरनल चोट लगती है तो नाक से ब्लीडिंग भी होती है और उस ब्लीडिंग से भी बहुत सारी परेशानियां नाक से संबंधित हो सकती हैं। लिटिल फिंगर से जब प्रेशर हम लोग देते हैं तो ये प्रेशर अनकंट्रोल्ड होता है। अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। इस पूरे प्रेशर को यदि हम कंट्रोल्ड प्रेशर देना चाहें तो लोटस पोज, ओपन लोटस पोज हम लोग बना लेते हैं, हाथों को की हथेलियों को ये मैंडिबल के नीचे रखकर और ये बीच की उंगली को यहाँ पे लाके छोटी स्मॉल फिंगर को, लिटिल फिंगर को फना मर्म के ऊपर लाके इसको प्रेशर देते हैं और इससे जो हमारे हाथ का दबाव होता है हाथ मैंडिबल पे रहता है और जो उंगलियों का छोटी उंगली का दबाव है वो फना मर्म पे पड़ता है। तो फना मर्म को दबाने की दूसरी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड प्रेशर के साथ हम फना मर्म को दबा सकते हैं।